मेरे साथ इस वक्त प्रख्यात बॉलीवुड अभिनेता, साहित्यकार, लेखक, कलाकार हैं दिग्गज आशुतोष राणा जी की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे साथ में मौजूद हैं सर। आज विश्वविद्यालय आप आए, पूरा ऐसा लग रहा था कि पूरा विश्वविद्यालय, पूरा सागर आशुतोष राणा में हो गया। सर क्या कहेंगे? ये अनुपम आनंद का विषय है और ये परम पूज गुरुदेव पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री दद्दा जी की कृपा है, क्योंकि आज के संसार में आपको सब कुछ मिल सकता है लेकिन स्नेह, शुभकामनाएं और शुभाशीर्वाद ये जो प्राप्त होता है ये बिना गुरु कृपा के आपको प्राप्त नहीं होता। तो मैं परम पूज दद्दा की ये अहेतुकी कृपा है कि उन्होंने गुरु प्रसाद के रूप में सागर शहर के अंदर मुझे इतना स्नेह, सम्मान और आशीर्वाद मुझे दिलवाते हैं, तो उनका ही है, उन्हीं के श्री चरणों में समर्पित है। उनसे प्रार्थना है कि उनके द्वारा प्राप्त कृपा का हमसे कभी दुरुपयोग ना हो, उसका सदुपयोग हम करते रहें। सर अलग ही माहौल था, हमने देखा जहां आप संवाद कर रहे थे लोगों से, जगह नहीं थी बैठने के लिए वहां लोग छात्रों के लिए, लेकिन बहुत अलग उत्साह था आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए। सर उनसे आपने बात भी की, तो सर कैसा लगा संवाद करके? छात्र बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम भी कभी छात्र थे और हम आज भी छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, और ये सबसे आनंद का विषय है कि छात्रों के बीच में और हमारे बीच में कहीं पे भी वक्ता और श्रोता का संबंध नहीं था। मुझे बातचीत करते हुए मुझे ये लगा कि वो भी मुझसे बोल रहे हैं और मैं उनको सुन रहा हूँ और मैं भी उनसे बोल रहा हूँ और वो मुझको सुन रहे हैं। तो जब आपके बीच में जब आप एक तल पे खड़े हो जाते हैं तो फिर वहाँ पे अनुपम रस बरसता है। तो बहुत सुखद मुझे लगा विश्वविद्यालय में आके कि जिसके हम विद्यार्थी थे उन्हीं विद्यार्थियों के साथ आप मंच के माध्यम से अपने अनुभव उनके साथ साझा कर रहे हैं। सर पुरानी यादें भी ताजा हो गईं, पुराने मित्र आपको मिले, काफ़ी समय बाद विश्वविद्यालय आना हुआ। जी सागर वो यथा नाम तथा गुण है, जैसी सागर की प्रकृति होती है कि सागर के तल में हमेशा मणि माणिक, हीरे जवाहरात, कई किस्म के रत्न छिपे होते हैं। तो ये रत्न आपको तब मिलते हैं जब आप उसकी गहराई में जाके गोताखोरी करते हैं। अगर आप ऊपर ऊपर निकलेंगे सागर के तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझ में आएगा कि नहीं, उस सागर की जो बात है वो सिर्फ लहरों तक ही सीमित, वो लहरों तक सीमित नहीं, उसकी गहराई में आप जाइए तो आप देखेंगे कि उसमें कई किस्म के खजाने भरे हुए हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि सागर, क्योंकि सागर को आप ये कहें कि गाडरवारा अगर हमारी जन्मभूमि है तो सागर हमारी निर्माण भूमि है। ये वही भूमि है जहाँ से परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी के बारे में हमें पता लगा और ये वही भूमि है जहाँ पे परम पूज्य दद्दा की हमारे लिए गुरु का मार्ग खोला। तो जैसा सब जानते हैं, मैं तो ये जानता ही हूँ कि पूज्य दद्दा हमारे मार्ग भी थे, हमारी मंजिल भी थे और उस मार्ग पर चलने वाले मार्गी भी स्वयं थे। हम सिर्फ उनके कंधे पर बैठ के यात्रा कर रहे थे और मेले का आनंद ले रहे थे और अभी भी आनंद लेते रहते हैं। सर अब वहाँ से होके आप मंदिर भी आए, दद्दा जी आपने नमन किया। सर गुरु का महत्व क्या होता है और आपके लिए सर कैसा क्या रहा गुरु का महत्व? गुरु का महत्व या गुरु की कृपा के, अगर कृपा एक ऐसी चीज़ होती है कि जो हमको नंगी आँखों से दिखाई नहीं देती, कर्म हमको दिखाई देता है, भाग्य हमको दिखाई देता है लेकिन कृपा हमको नंगी आंखों से नहीं दिखती, लेकिन आशुतोष राणा के पूरे जीवन को आप देख लें तो ये गुरु कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि एक शेष आशुतोष को वो विशेष आशुतोष बना देते हैं, एक सामान्य से प्रतिभा वाले व्यक्ति को वो ऐसी ख्याति, ऐसी यश और ऐसा ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं जो उसके आनंद, जो सिर्फ उसके आनंद का ही नहीं, उससे जुड़े हुए तमाम लोगों के आनंद का कारण होता है। तो गुरु जो होते हैं वो करेक्ट नहीं करते हैं, गुरु हमेशा डायरेक्ट करते हैं और गुरु आपको आपसे ही जोड़ देते हैं। वो लोगों को लगता है कि गुरु अपने शिष्य को स्वयं से जोड़ रहे हैं, वो नहीं जोड़ते हैं, गुरु अपने शिष्य को स्वयं शिष्य से ही जोड़ देते हैं। तो जब आपको आपसे ही जो जोड़ देता है तो फिर वो जो कहा जाता है ना कि हम लोग सुनते हैं हमारे भागवत ग्रंथों में यह है कि लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने माता यशोदा को अपने मुंह में ब्रह्मांड दिखा दिया, तो मुख में ब्रह्मांड दिखाने की जो बात होती है, तो गुरु जो होते हैं वो आपके जीवन में वो आपके अग्रगामी भी होते हैं, वो आपके सहगामी भी होते हैं, वो अनुगामी भी होते हैं। तो शिष्य अगर मान लीजिए जानते बूझते हुए अगर किसी गलती में गिरता है तो गुरु क्या करते हैं, गड्ढे में गिर गया
तो गुरु उसका साथ नहीं छोड़ते, वो उसके साथ उस गड्ढे में उतरते हैं। अंतर इतना होता है कि शिष्य गिरता है उस गड्ढे में और गुरु उतरता है उस गड्ढे में। एक बेहोश चित्त का परिणाम होता है और एक जागृत चित्त की अवस्था होती है, वो उसको उस गड्ढे में उतर कर उसको उस गड्ढे से बाहर निकाल के खड़ा कर देते हैं। तो ये गुरु वो अनुभव और अनुभूति का विषय है। तो हमारे लिए तो पूज्य दादा जो हैं, मतलब हमारे तो जो कुछ भी आप हमारे पास देख रहे हैं ये उन्हीं का दिया हुआ है, तो मेरा इसमें कुछ नहीं है, तो ये उन्हीं के, हम तो सिर्फ आनंदित इस बात के रहते हैं कि उन्होंने हम जैसे व्यक्ति की मनोभूमि को अपना क्रीड़ा क्षेत्र बनाया कि वो हमारे अंदर इस नाद से क्रीड़ा करते रहते हैं, तो ये हमारे लिए आनंद का विषय है। जब भी आशुतोष राणा जी को हमने देखा है, आपको देखा है मंचों पे कार्यक्रमों में, तीन बत्ती की बात जरूर रहती है, तो सर ज्ञानी गुरु से दोबारा कभी ऐसा मिलना हुआ? हाँ हुआ था, लेकिन अब तो वो रहे नहीं, उनका देहावसान हो गया। सागर के जब हमको फिल्म फेयर अवार्ड मिला पहली बार दुश्मन का, तब उसके बाद उनसे मिलना हुआ था और उन्होंने हमारी बहुत क्लास ली थी, बहुत उनको भरोसा ही नहीं था कि हाँ, उनको लगता रहा कि हम झूठ बोल रहे हैं। और दुश्मन चूँकि राजेश खन्ना साहब ने भी फिल्म की थी, तो वो कहते थे ये हैं राजेश खन्ना, इनको मिली दुश्मन जी जी हाँ राजेश खन्ना। तो वो उनका जो हमारे प्रति स्नेह था, और तीन बत्ती, जैसे साहित्य में सिंहासन बत्ती सी का महत्व है क्योंकि उसमें ज्ञान की नैतिकता की तमाम कथाएँ होती हैं, वैसे ही सागर शहर में तीन बत्ती का महत्व है। आपको सागर शहर की उस तीन बत्ती पर वो समस्त चीज़ें मिल जाएंगी, बस आपके नाक कान आँख खुले होने चाहिए। सर मेरा एक प्रमुख रूप से ये सवाल था, आजकल हम देखते हैं आप प्रमुख थे सवाल नहीं बिल्कुल सर, इसलिए कह रहा हूँ आप चूंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ऐसी चीज़ें, सोशल मीडिया का सर ज़माना है, कई लोग आप सर हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं लेकिन लोगों के रिप्लाई आप बाकायदा देते हैं हर एक व्यक्ति को, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और सर बात मुख्यतः ये है कि व्हाट्सएप जो यूनिवर्सिटी है उसमें कई ज्ञान दिखाया जाता है, वो सर उस पर आप क्या कहना है सोशल मीडिया के प्रभाव? सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत अच्छा मंच है और उसका नाम ही सोशल मीडिया है, तो जब हम उसके मंच के नाम के अनुरूप अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो सकारात्मक है, लेकिन अगर सोशल मीडिया पे हम अनसोशल काम करने लगेंगे तो फिर हम कहीं ना कहीं मंच की गरिमा को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। हमारा ये मानना होता है कि जैसे अगर एक बंदूक किसी सैनिक के हाथ में हो और एक बंदूक किसी आतंकवादी के हाथ में हो, तो आतंकवादी के हाथ में बंदूक देख के हमारे अंदर भय और असुरक्षा का संचार होता है, लेकिन सैनिक के हाथ में बंदूक देखकर हमारे अंदर सुरक्षा और निर्भयता का संचार होता है। तो महत्व हथियार का नहीं होता, महत्व हाथ का होता है। तो हाथ हमारे हाथ में, तो महत्व सोशल मीडिया का नहीं है, महत्व उन हाथों का है, उस मस्तिष्क का है जो सोशल मीडिया को संचालित कर रहे होते हैं। मेरा ये मानना है कि ये आभासी दुनिया है, तो जैसे हम और आप ये आभासी घर है, मान लीजिए जैसे हम अपने घर में आने वाली तमाम चीज़ों को स्वागत करते हैं, और हम अपने घर में धूल धक्कड़ अगर कोई चीज़ है तो हम उसकी रोज़ झाड़ू पोछा करके सफाई करते हैं, ऐसे ही आभासी घर की भी आपको झाड़ू पोछा करके सफाई करनी चाहिए, अन्यथा लोग मनोविचार के नाम पर मनोविकारों को आपको वहाँ पर डालते रहेंगे और आप मनोविकारों को मनोविचार समझते रहेंगे, तो इसमें दोष या उसमें सजगता उस सोशल मीडिया धारक की है जो अपने अकाउंट को स्वयं संचालित कर रहा है। तो इसलिए मैं अपने अकाउंट को स्वयं संचालित करता हूँ, सारी चीज़ें पढ़ता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा मानना है, हमारे बुंदेलखंड में कहा जाता है कि खेती पाती बीनती और खुजावन खाज तुरही आप पलानियों जो प्रीचा हो राज। तो खेती करने हो, पत्र लिखने हो, या विनती करने हो, या खाज खुजाने हो, तो आप तभी सुख मिले जब आप अपने हाथ से करो, है ना। तो इसको हम पत्र की श्रेणी में रखते हैं, इसको हम विनती की श्रेणी में रखते हैं कि ये पत्र लिखना ही होता है सोशल मीडिया पे, या विनती करना ही होता है। तो इसको आपको, अगर आप राज चाहते हैं, राज मतलब सुख चाहते हैं, तो आपको ये सारे काम स्वयं करने चाहिए, इसलिए मैं स्वयं करता हूँ। इसलिए उन चीज़ों, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जैसे अगर कोई आदमी रद्दी इकट्ठी करता है और अरबपति हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? रद्दी वाला। अगर कोई आदमी फूलों का व्यापार करता है, इत्र का व्यापार करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? गंधी, भाई फूल वाले हैं। तो ऐसे ही जो कचरे का व्यापार करे उसको आप क्या कहेंगे? अरबपति हो जाए वो,
कचरे वाला ही कहेंगे। तो मतलब इंसान की शख्सियत, मनुष्य की पहचान उसने क्या संग्रह किया है इससे होती है। तो आपकी प्रवृत्ति, तो ये हमारे आपके ऊपर निर्भर करता है कि सोशल मीडिया पे सकारात्मकता भी है और नकारात्मकता भी है। अब ये आपकी अपनी विवेक बुद्धि है, बगुला बुद्धि है कि आप उसमें से, ये हंस वृत्ति है कि आप उसमें से सकारात्मकता उठाते हैं या उसमें से नकारात्मकता उठाते हैं। तो मेरा चुनाव ये है कि ये मेरे घर का मैं मालिक हूँ, तो उसमें से मुझे सकारात्मकता का चुनाव है। मैं फूलों का व्यापार कर रहा हूँ, मैं इत्र में, खुशबू में विश्वास रखता हूँ, तो अपने हिस्से के आसमान में मैं सकारात्मकता का संचार करने का विश्वास रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे घर के आंगन में भी चारों तरफ सकारात्मकता का संचार हो। सिने अभिनेता, लेखक, कलाकार आशुतोष राणा जी सागर टीवी न्यूज़ से मुखातिब थे। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ। हर पल आपके साथ। शुक्रिया।